हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली और आपका स्वागत है इजी होम रेसिपीज़ में। आज हम बनाएंगे साउथ इंडिया और महाराष्ट्र का बहुत ही मशहूर रेसिपी, सूजी का उपमा। उपमा अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन सूजी का उपमा बहुत ही हल्का फुल्का, काफ़ी आसान, काफ़ी टेस्टी और झटपट बनके तैयार हो जाता है। और आज मैं जिस तरीके से उपमा बनाना बताऊँगी, उससे आपका सूजी का एक एक दाना खिला खिला रहेगा। आप इसे नाश्ते में, बच्चों को लंच में, छोटी मोटी भूख में कभी भी आराम से बना सकते हैं। तो बिना रुके चलिए शुरू करते हैं। सूजी का उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप सूजी, एक मीडियम आकार का कटा हुआ प्याज, एक छोटा कटा हुआ टमाटर, एक छोटा टुकड़ा गाजर का, ये लाल गाजर है, अगर आपको ऑरेंज कलर के गाजर मिले तो वही डालें, 3 चम्मच उबली हुई मटर, ये ताजी मटर है, आप फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 छोटी चम्मच उड़द की दाल, आप इसके बिना भी बना सकते हैं, 1 छोटी चम्मच चना का दाल, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच काली सरसों, 2 चम्मच मूंगफली, ये कच्ची मूंगफली है, आप भुनी हुई मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 हरी कटी मिर्च, 1 इंच घिसा हुआ अदरक। आप चाहे तो इस रेसिपी में 4 से 5 टुकड़े काजू के भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच चीनी, चीनी आप नहीं भी डाल सकते हैं, 2 से 3 चम्मच रिफाइन ऑयल, 7 से 8 करी के पत्ते और 1 कप सूजी में हम डालेंगे 2.5 कप पानी। सबसे पहले हम कढ़ाई या पैन चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे रवा और लगातार चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। रवा आप बारीक या फिर मोटी वाली कैसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है और हमारा सूजी का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया। फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे इस तरीके से कुछ देर के लिए चलाते रहें, क्योंकि हमारा तान बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हम 1 बर्तन में 2.5 कप पानी डालते हैं और लो फ्लेम करके हम पानी को गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब हम एक दूसरा कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे तेल। तेल के गर्म हो जाने के बाद हम डालेंगे राई, जीरा, उड़द की दाल, चने की दाल, मूंगफली, सभी को एक बार मिला लें। अगर आपकी मूंगफली भुनी हुई है तो थोड़ी देर के बाद डालें। अब हम डालेंगे अदरक और हरी मिर्च। 30 सेकेंड सौते करने के बाद हम डाल देते हैं प्याज, मिला लें। करी पत्ते, हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो गया है, डाल दीजिए गाजर, टमाटर, मटर, सब्जियों को हमें बस 1 मिनट के लिए सौते करना है। साथ ही में डाल दीजिए 3 से 4 चम्मच पानी और हाई फ्लेम पे हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं, ताकि गाजर टमाटर नरम पड़ जाए। अभी तक हमने नमक नहीं डाला है, तो स्वाद अनुसार नमक डालें और साथ ही में चीनी। 1 मिनट और हमने सब्जियों को पका लिया है। अब हम फ्लेम को कम कर देंगे और डाल देंगे भुनी हुई सूजी और मिला लें। यहाँ पे मैं आपको एक खास उपमा बनाने का टिप्स देती चलूँ। आप सोच रहे होंगे कि हमने सब्जी को भुना, उस टाइम भी पानी डाल करके उबाल सकते थे। वैसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उबलते पानी में आप ऊपर से सूजी डालिएगा तो वो बड़ी बड़ी गुलठियाँ बन जाएगी, हमारा उपमा में बहुत सारा लम्स बन जाएगा और फिर उसे मैश करते करते हमारा उपमा बहुत चिपका चिपका और गीला गीला बनेगा। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, आप एक बार ज़रूर ऐसे बनाएं। तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने लो फ्लेम करके सूजी और सारी सब्जियों को मिला लिया है। उबला हुआ पानी जो हमने पहले गर्म करने के लिए रख दिया था, थोड़ा दूर हो के डालें, इसके छिट्टे भी आपको पड़ सकते हैं। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो रहेगा और इसे अच्छे से मिला लें, और जब ये मिल जाएगा तब तो फ्लेम को हम मीडियम कर और उपमा को हम ढकते हुए पकाएंगे
वरना इसके छींटे आपको बहुत तेजी से पड़ सकते हैं। एक मिनट के बाद सूजी ने पानी को थोड़ा सोख लिया है। अब लिड को हटा लीजिए और इसे हम चला लेंगे। फिर से ढक दें, फ्लेम हमारा कम रहेगा। दो मिनट और हमने पका लिया है। हमारा बहुत ही अच्छे से सूजी पक चुका है। अब फ्लेम को बंद कर दीजिए। अब मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं सूजी का एक एक दाना खिला खिला है और ये बिल्कुल भी मुंह में जाके सूखा सूखा नहीं लगेगा। बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और बहुत ही टेस्टी हमारा उपमा झटपट बनके तैयार है। ये बहुत हेल्दी है, आप बच्चों को लंच में, सुबह के नाश्ते में या छोटी मोटी भूख में कभी भी बना सकते हैं। मैं इसे सर्व करती हूँ। सर्व करने के लिए आप डायरेक्ट प्लेट में डाल के सर्व कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कटोरी में डाल लीजिए। पहले अच्छे से दाब दीजिए और चम्मच से हम इस तरीके से दाब देंगे और इसे एक प्लेट में गर्मा गर्म उल्टेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा उपमा सर्व भी हो गया। मेरे पास ताज़ा नारियल नहीं है, साथ में ताज़ा नारियल भी आप डाल सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारा काफ़ी मशहूर हल्का फुल्का हेल्दी नाश्ता, सूजी का उपमा। आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, अपने कीमती सुझाव देना ना भूलें। बाय एंड टेक केयर।